मैटर पदार्थ, पदार्थ जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये आणविक अवस्था है, हाइड्रोजन परमाणु ये होता है। दो परमाणु, जैसे यहाँ धनावेशित नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ धनावेशित है, धनावेश प्रोटॉन है और यहाँ न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो देखिए, ये धनावेश है, ये धनावेश है, इनके बीच वैद्युत बल सक्रिय हो जाते हैं और वो प्रतिकर्षण के होते हैं सजातीय आवेश के बीच में। और यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये सजातीय हो गए, ये भी प्रतिकर्षण हो गए ऋण और ऋण के बीच में। इन ऋण और इन धन के बीच में ये आकर्षण के बल हो गए। इन ऋण और इन धन के बीच में ये आकर्षण के हो गए। सजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स होते हैं, वैद्युत बल। तो इन दोनों परमाणुओं के करीब आने से ये दोनों तरह के बल सक्रिय हो गए। अगर हम बात करें दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी एक R0 की, 10^-10 मीटर के ऑर्डर की ये होती है, इसे साम्य दूरी कहते हैं। साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसमें नेट बल एक तरह से शून्य हो गया, यानी जितना प्रतिकर्षण बल है उतना ही आकर्षण बल होता है। और आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होने के कारण ये जो परमाणु है अपनी अपनी माध्य स्थिति के ऐसे कंपन करते रहते हैं दोनों ओर, और ये ठोस अवस्था में दूरी R0 बनी रहती है। यहाँ R0 हो गई, नेट बल शून्य है लेकिन कंपनिक गतिज ऊर्जा है, कंपन कर रहे हैं, और चूंकि आकर्षण बल भी है इसलिए स्थितिज ऊर्जा है। ज्यादा आकर्षण होता है यहां, इसीलिए ये ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। और कंपनिक गतिज ऊर्जा ये एक तरह की कम पॉजिटिव हो गई, यानी टोटल इन मिलाकर जो इन टोटल एनर्जी की बात करें तो वो नेगेटिव हो गई। ई नेगेटिव हो गई। द्रव के अणु पृष्ठ के अंदर ही इधर उधर गति करते रहते हैं, अपने अक्ष के परितः ये घूर्णन भी करते हैं, इधर उधर स्थानांतरित गति भी करते हैं, आपस में भी टकराते हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं, यानी एक तरह से इनमें दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती है R > R0। तो यहां आकर्षण बल कुछ कम हो गए और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, इधर उधर चलना, अपने अक्ष के परितः घूमना, घूर्णन गति, तो इनके कारण एनर्जी है इसमें काफी। स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव, गतिज ऊर्जा पॉजिटिव, कुल मिलाकर टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। और जो गैस है, गैस के अणुओं के बीच की दूरी R > R0, ये बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। जो आकर्षण बल है वो लगभग नगण्य हो गया,
अगर आदर्श गैस की बात करें तो जीरो वास्तविक गैस के अणुओं के बीच, यानी आदर्श हमने उस गैस को माना है जिसके अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, सतत ये गतिशील रहते हैं, और चूंकि बहुत तीव्र वेग से गतिशील रहते हैं उष्मीय ऊर्जा के कारण, सामान्य ताप पर जिस भी ताप पर ये है, अगर ताप बढ़ा देते हैं तो इनका वेग और बढ़ जाता है, पढ़ेंगे आगे डिटेल में। यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, और बल कम होने से स्थितिज ऊर्जा टेंडिंग टू जीरो, यानी कुल मिलाकर जो टोटल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो ठोस की टोटल एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव, द्रव की कम नेगेटिव और गैस की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। गैस के अणु सतत गतिशील रहते हैं, अंतरणविक बल नगण्य होते हैं। अगर आदर्श गैस की बात करें तो बल शून्य होता है और स्थितिज ऊर्जा भी जीरो नगण्य। जिस भी बर्तन में रखे जाती है गैस, उसी का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और चूंकि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं अणु परमाणु, इसलिए इन पर गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, उसका प्रभाव भी नगण्य होता है। यानी एक तरह से गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य हम मानकर चलेंगे, नहीं होता है, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो सारे मॉलिक्यूल्स बर्तन की तली में यहां इकट्ठे हो गए होते, जबकि ऐसा नहीं होता है। इनमें जो टक्कर होती है, दो अणु इधर गतिशील हो रहे हैं, ऐसे टक्कर आपस में होती है, या अणु की टक्कर दीवार से होती है, तो जो टक्कर है वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। गैस में जो टक्कर है अणुओं की, टक्कर कहिए संघट कहिए, वो पूर्णतया प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर होती है, और ये प्रत्यास्थ का मतलब होता है गतिज ऊर्जा और संवेग। ये संवेग पी, ये दोनों संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहने का मतलब है कि संरक्षण रहता है इनका, यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, जितनी गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले है टक्कर के बाद भी उतनी गतिज ऊर्जा होती है। टक्कर से पहले संवेग जितना होता है टक्कर के बाद भी संवेग उतना ही होता है, इसे कहते हैं संरक्षण, संरक्षित होना। तो पूर्णतया प्रत्यास्थ में ये होता है। एक अप्रत्यास्थ होता है, इसमें गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है, गतिज ऊर्जा लॉस होती है, और संवेग ये संरक्षित रहता है। एक पूर्णतया अप्रत्यास्थ होता है, पूर्णतया अप्रत्यास्थ वो है जिसमें दो वस्तुएं टकराई और आपस में जुड़ गई, टकराने के बाद आपस में एक हो गई, इसमें भी यही स्थिति है, संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है। ये जो दो अणुओं की टक्कर है, जैसे दो अणुओं की टक्कर ऐसे होती है और आपस में ही आप टकराते हैं, तो यहां से यहां तक का जो समय होता है वो एक तरह से श्रांति काल कहिए इसको, श्रांति काल। जनरली इसे टॉय से प्रदर्शित करते हैं, श्रांति काल का मतलब दो टक्करों के बीच का जो समय है। और चूंकि सभी परमाणुओं की, सभी अणुओं की टक्कर अलग अलग बहुत तरह से संभावित है, इसलिए दो परमाणुओं की या अणुओं की टक्करों का जो औसत समय होता है वही लिया जाता है, माध्य श्रांति काल लिया जाता है, विश्राम काल भी से कह सकते हैं, क्योंकि टकराएगा तो क्षण भर के रुकेगा। और ये जो समय है यहां से यहां तक आने का, और ये समय है दो टकरों के बीच का, ये जो समय है टकरों के बीच का ये नगण्य लिया जाएगा। यहां से यहां तक का समय टी है,
तो यहाँ जो टकरों में लगा हुआ समय है वो नगण्य होता है, यानी दो टकरों के बीच चली गई दूरी ये औसत मुक्त, ये मुक्त पथ कहलाता है, मुक्त पथ, फ्री पाथ, फ्री रास्ता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई इस पर आकर्षण बल नहीं था, कोई समस्या नहीं थी इसको, तो ये फ्री पाथ कहलाता है। और ये भी अलग अलग संभावित है, इसीलिए इसका भी माध्य मुक्त पथ लिया जाता है, माध्य मुक्त पथ, इसे लैम्डा कहते हैं। तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा, माध्य शांति काल टॉय, दो अणुओं के बीच की टक्कर का, और टक्कर में लगा हुआ समय नगण्य, दो टक्करों के बीच समय के मुकाबले में। तो ये सामान्य सी बातें हैं जो कि गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या है और दाब की गणना करने के लिए इसकी परिकल्पनाएं क्या ली जाती हैं, अभिगृहित क्या लिए जाते हैं। होता क्या है, जैसे कि ये बर्तन है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस का मॉलिक्यूल्स यहाँ से टकराया, मान लीजिए यहाँ एम द्रव्यमान का मान लीजिए कोई अणु है और वी वेग से टकराता है, तो टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्त, मतलब ऐसे हटेगा वो माइनस एम इंटू वी से, वी सदिश राशि है, इस दिशा में वेग वी है तो इधर माइनस एम वी वी हो गया, यानी इसके संवेग में परिवर्तन होगा डेल्टा पी, और इसमें कोई समय लगेगा डेल्टा टी यहाँ टकराने में। तो जैसे डेल्टा पी बटे डेल्टा टी पढ़ा था कि ये एफ समानुपाती डेल्टा पी बटे डेल्टा टी होता है, या एफ समानुपाती एम इंटू ए होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर बल, यानी अणुओं की दीवार पर टक्कर होती है, टक्कर से अणु दीवार पर बल लगाते हैं, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से इतना ही बल ये दीवार अणुओं पर इधर लगाती है, जिसके कारण वो फिर इधर गति करते हैं, और दीवार के बर्तन की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम दाब कहते हैं, अभिलंब बल जो होता है, और टक्कर का औसत अभिलंब होगा, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल इसे हम दाब कहते हैं। तो गैस की अणुओं के टक्कर के कारण ही दीवार पर बल लगता है, दाब लगता है, और यही इस गैस का दाब पी कहलाता है, इस बर्तन का आयतन वी कहलाता है, और जो भी यहाँ अणुओं के गति है उसके आधार पर इसका अपना एक ताप टी होता है। तो ये गैस के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, रिपीट कर लें, नोट कर लें, तैयार कर लें।